हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मेरी स्केचबुक। मैंने 28 मई को स्टार्ट किया था स्केचेस बना एंड इन डेज में मैं कुछ 14-15 स्केचेस बना चुकी हूँ एंड एक दो इसमें से मैंने अपनी फ्रेंड्स को गिफ्ट भी कर दिए। वो स्केचेस देख के आप मुझे बताना कि मेरी स्केचेस में कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है कि नहीं इन कुछ दिनों में। ये मैंने फर्स्ट स्केच बनाया था 28 मई को। ये 7 horses का स्केच है, रनिंग 7 horses है। तो आप इसे देखिए और मुझे बताइएगा कि कैसा बना है। एंड ये फर्स्ट स्केच है जो मैंने काफ़ी इयर्स के बाद में बनाया, काफ़ी इयर्स इन द सेंस 6-7 years के बाद में। एंड अब मैं कुछ एक या दो दिन के गैप के बाद में स्केचेस बना रही हूँ कंटिन्यूसली। देन उसके बाद में मैंने बनाया ये वाला स्केच। ये जो स्केचेस हैं ये मैंने सिंपल नटराज की पेंसिल से बनाए हैं, ये वाला और 7 horses वाला भी। एंड देन ये फ्लावर कोशिश की थी कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो आप मुझे बताइएगा कि इम्प्रूवमेंट हुई है कि नहीं मेरे स्केच। ये मैंने रियलिस्टिक आई ड्रॉ करने की कोशिश की थी, तो आप मुझे बताइएगा कि कितने परसेंट रियलिस्टिक लग रही है आपको। ये 30 मई को बनाया था मैंने। देन ये एक बेबी गर्ल का स्केच है, ये आप मुझे बताइएगा कि कैसा बना है। ये मैंने अपनी मार्को वाली पेंसिल से बनाया था, ये आई थिंक फर्स्ट स्केच था जो मैंने मार्को पेंसिल से बनाया था। ये टिकटॉक स्टार है कृपा जोशी, जिसका मैंने स्केच बनाने की कोशिश की थी। मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है। एंड देन ये अला में जो एलिफेंट के साथ में ट्रेजडी हुई थी उस दिन मैंने ये स्केच बनाया था। बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था वो। एंड ये एनवायरनमेंट डे पे बनाया था मैंने, जो अमृता देवी हैं उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी ट्रीज को सेव करने के लिए, तो उस पर मैंने ये स्केच बनाया था। ये मैंने सारा चारकोल पेंसिल से ड्रॉ किया है। ये मार्को पेंसिल है एंड ये चारकोल पेंसिल है जो डार्क शेडिंग है। एंड ये मेरी एक फ्रेंड है कनाडा में, उसका स्केच है, उसने रिक्वेस्ट की थी स्केच बनाने के लिए। देन मैंने ये ट्राई किया था उसका स्केच बनाने का। ये मेरी बचपन की फ्रेंड है रुचि, उसका स्केच बनाने का ट्राई किया था मैंने। तो ये मुझे बताइएगा कि कैसा बना है, कितनी क्यूट है ना इसकी स्माइल, मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड अगेन ये बेबी गर्ल का स्केच है, ये मेरी फ्रेंड है फिरोजपुर में, उसकी बेबी है, उसका स्केच बनाने की कोशिश की थी मैंने। ये उन्हें बहुत पसंद आया था, बहुत अच्छा रिव्यू मिला था इसका। तो आप भी मुझे बताइएगा कि ये कैसा बना है। इनमें से आप बताइएगा कि आपका फेवरेट कौन सा है या आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा। एंड देन ये अमिताभ बच्चन का स्केच बनाया था गुलाबो सिताबू से, जो उनका लुक है। ये मैंने अलग टेक्निक से बनाया था। अब इसके बाद में मैं एक
अलग टेक्निक ही यूज़ कर रही हूँ, मोस्टली स्केचेस मैं उसी से बना रही हूँ, ये मैं लर्न कर रही हूँ अभी ये टेक्निक, तो ये मुझे काफ़ी इफ़ेक्टिव लग रही है। आप मुझे बताना कि आप इस टेक्निक से स्केच बनाना सीखना चाहते हो तो मैं उसका ट्यूटोरियल वीडियो भी अपलोड करूँगी। इससे काफ़ी फीचर्स उभर के आ रहे हैं, थोड़ा रियलिज्म भी आ रहा है, मतलब मैच कर रही हैं उनकी फीचर्स पूरी। ये मेरी दीदी हैं जो अमृतसर में रहती हैं, उनका स्केच बनाने की कोशिश की थी मैंने, उनका बर्थडे आ रहा है तो अभी तक मैंने उन्हें बताया नहीं है, बर्थडे पर दिखाऊंगी उनके। एंड ये फादर्स डे पे बनाया था मैंने स्केच मेरे पापा का, इसे भी काफ़ी अच्छे रिव्यू मिले थे, मेरे पापा ने भी कहा बहुत अच्छा बना है, आप लोगों ने भी कमेंट करके बताया था पिछली वीडियो में कि बहुत अच्छा बना है, थैंक यू सो मच। एंड ये स्केच मैंने अपने ब्रदर का एंड माय नीस, ये दोनों का मैंने स्केच बनाने की कोशिश की थी, ये भी काफ़ी हद तक उनकी जो फीचर्स हैं मैच कर रही है इसमें। तो ये जो न्यू टेक्निक है इसमें काफ़ी अच्छी मतलब फीचर्स उभर के आ रही हैं, तो मैं ये अभी लर्न कर रही हूँ, अगर आपको सीखना है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं भी सीख रही हूँ, आप भी साथ में सीखें, कोशिश करेंगे तो बन जाएगी अच्छी। दिस इज़ द लास्ट वन, इसके बाद में मुझे एक दो दिन से टाइम नहीं मिल पाया स्केच बनाने के लिए, आप मुझे बताइएगा कि कौन सा स्केच सबसे अच्छा बना है, आपको मेरी स्केच बुक कैसी लगी एंड आपको सबसे अच्छा स्केच कौन सा लगा इसमें से। एंड अगर आप न्यू टेक्निक सीखना चाहते हो और जो पहले वाली टेक्निक थी जिसमें हम पहले आउटलाइन ड्रॉ करते हैं एंड फिर शेडिंग करते हैं, वो आप सीखना चाहते हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं ट्यूटोरियल अपलोड करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।